जय हिंद मित्रों, जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विभिन्न एग्जामों में इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एलडीसी, यूडीसी, यह सभी जो एग्जाम होती है उससे जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से जो है कि आप देखिए, किसी भी एग्जाम में जब आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए, प्रथम क्वेश्चन जो है कि अभी आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डिग्री अक्षांश का अंतराल दर्शाता है। यानी 1 डिग्री अक्षांश जो होता है, यानी कि 1 डिग्री अक्षांश वृत्त के बीच की जो दूरी होती है वह कितनी होती है। अगर इसको हम मान लेते हैं, से 1 से 2 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास अगर हम आते हैं तो उस दोनों के बीच में जो होगा कि डिस्टेंस कितना होगा। तो ऑप्शन ए में दे रहा है 211 किलोमीटर, बी में जो है कि आपको 111 किलोमीटर, सी में 91 किलोमीटर है और डी में 241 किलोमीटर है। तो देखिए, आप इक्वेटर से लेके पोल तक, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास जाते हैं, तो प्रत्येक अक्षांश वृत्त के बीच का जो डिस्टेंस होती है वह 111 किलोमीटर होता है। जैसे कि आप 1 से 2 डिग्री अक्षांश वृत्त के पास आइए या 2 से 3, तो वहां जो डिस्टेंस होगी वह 111 किलोमीटर होगा। तो यानी इसका आंसर जो हुआ कि बी होगा। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, उष्णकटिबंधीय फसलें निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप पर दर्शाई जाती है। यानी उष्णकटिबंधीय जो फसल होगी, जितने भी फसल है, उसको दिखाने के लिए हम लोग किस प्रक्षेप की सहायता के द्वारा उसको दिखा सकते हैं। तो एक में, ए में जो है कि आपको ध्रुवीय है, बी में जो है शंक्वाकार है, सी में जो है मौलवित प्रक्षेप है, डी में जो है मर्केटर है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय फसलें को दर्शाने के लिए जो जिस प्रक्षेप का हम प्रयोग करते हैं वह मौलवित प्रक्षेप होती है। क्योंकि मौलवित प्रक्षेप में देखिएगा कि 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जो क्षेत्र होती है वह शुद्ध होती है। इसके कारण वह क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आती है। तो वहां का उसको, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के फसल को दिखाने के लिए हम लोग कौन सा प्रक्षेप, तो यानी मौलवित प्रक्षेप का उपयोग किया जाएगा। क्लियर? तो इसका आंसर जो होगा कि सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मानक वाले धरातलीय पत्रक का 1 सेंटीमीटर की दूरी को 2.5 किलोमीटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी यह क्वेश्चन जो देख रहा है ट्रॉपिकल ट्रोपोसिट का है, यानी स्थलाकृतिक मानचित्र का है। तो आप स्थलाकृतिक मानचित्र देखिएगा तो उसमें क्या है कि भारतीय सर्वेयर के द्वारा जो दर्शाई गई थी, तो पहला जो देखते हैं कि वह 4 डिग्री × 4 डिग्री अक्षांश और देशांतर वृत्त के दूरी जो होती है उसको दिखाया गया था, जिस सीट को कहते हैं मिलियन सीट, वह जो है कि भारत को दिखाने के लिए देखिएगा तो उसका नामकरण जैसे 1 से लेके 108 तक का सीट बनाया गया था। अब देखिए कि भारत उसमें कहां का, क्योंकि उस समय जो बनाई गई थी उस समय भारतीय उपमहाद्वीप का बनाया गया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, यह सभी क्षेत्र उसमें आता था। लेकिन वर्तमान में देखिए कि भारतीय जो दृश्य भूमि है, जो भारत का जो धरातलीय सतह है, उसको जो देखिएगा 39 से लेके 49, 51 से लेके 58, 61 से 66, 77 से 79, 82 से 84, 86 से 88, 91 से 92 वैल्यू वाली जो सीट है उस सीट पे जो है कि भारत को दिखाया जाता है। तो अभी इतना सीट पे जो देखे कि, यानी कि इस सीट जो देखे 1, 2, 3, 4, 5, यह जो नंबर हो वाली सीट होगी, यानी 1 से लेके 108 तक जाती है, तो यह कोई भी वैल्यू दिया जाएगा तो वह जो होगा मिलियन सीट कहलाएगी। यानी जिसमें आरएफ होता है 1:10,00,000। क्लियर?
उसको जब तोड़ते हैं तो 4 डिग्री पे देखे थे, तो 4 डिग्री को तोड़िएगा तो वह 4 डिग्री को एक एक डिग्री पे तोड़ते हैं, और फिर अक्षांश और एक एक डिग्री देशांतर रेखा पे, यानी कि उसको अब 16 भाग में तोड़ी जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, तो पहले जिस सीट को अगर हम तोड़ रहे हैं, जैसे भारत को देखते हैं 45, तो 45 वाले को जब तोड़ेंगे तो फिर उसमें ए से लेके पी तक के लेटर का इंडिकेट करते हैं। तो अगर 45 के साथ अगर कोई लेटर लगता है ए बी सी डी ई, चाहे या चाहे आपको 52 के साथ लग जाए, चाहे 51 के साथ लग जाए, चाहे बिहार का जो टोपो सीट देखिएगा तो बिहार जो अधिकतर क्षेत्र जो होती है वो 72 डिग्री पे आती है, 72 सीट पे आती है, तो 72 के साथ अगर लग गया ए बी सी कुछ भी लग गई तो देखते हैं कि तो वह सीट जो होती है डिग्री सीट कहलाती है। तो इस सीट में जो होता है कि 1:250,000 होती है। तो आपको यही पूछा गया, 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर दिखाते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया वह कौन सा सीट होगा। तो ए में देखते हैं 45 डिग्री सीट है, बी में जो देखते हैं 45 एच है, सी में जो देखते हैं 45 एच वाई ए 10 है, डी में जो देख रहे हैं 45 एच वाई 10 और एस ई है, यानी एस ई देखिएगा, एस डब्ल्यू देखिएगा, यह दिशा का सूचक होता है। तो सभी सीट का वैल्यू अलग अलग होती है। तो इसमें जो कहा जा रहा है 1:1 सेंटीमीटर अगर 2.5 लाख सेंटीमीटर मतलब कि सेंटीमीटर हो या 2.5 किलोमीटर हो, तो वह सीट जो होगी आपको इसका आंसर बी होगा, यानी 45 एच होगा। अब 45 एच ही नहीं, आप देखिए 1 से लेके 108 तक का कोई भी नंबर हो और उस नंबर के साथ ए से लेके पी तक का कोई भी जो अल्फाबेट लेटर और उसके साथ लगा हुआ है, तो वह सीट कहलाएगी डिग्री सीट, जिसका क्या होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर दूरी मापी जाएगी उस पे। क्लियर? तो 72 को ही देख लीजिए, जो भी इसमें बिहार आती है तो 72 पी लिखते हैं, वह भी आपको डिग्री सीट ही होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर वहां 2.5 लाख ही होगी। दिल्ली को देखिए कि 53 पे है कि 54, तो वहां देखिएगा तो वह भी जो आएगी आपको डिग्री सीट पे ही आएगी, मिलियन सीट पे आएगी, लेकिन जब उसको तोड़ेंगे तो फिर अपनी अलग आ जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा इसका आंसर जो होगा कि बी होगा, यानी 45 एच होगा। इसको आप सही से समझिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस सीट को मिली, इसको कहते हैं डिग्री सीट, यानी 45 एच जो है वह डिग्री सीट को प्रदर्शित करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में कौन डिग्री या चौथाई पत्रक सीट है, यानी चौथाई इंच का है, देख रहे हैं? तो डिग्री सीट के लिए जस्ट अभी आपको बताए थे, जिसमें आप आंसर में यहां देख रहे हैं कि ए पे क्या है 44A/NW, बी में जो है 44A है, सी में जो है 44A/5 है, इसमें जो देख रहे हैं क्या है, डी में जो है 44 है। तो यहां जो होगी आपको डिग्री सीट कह रही है, तो डिग्री सीट जो है 44A है, 44A रहे, 44P रहे, 44N रहे, कुछ भी रहे, चाहे 53A रहे, यानी 1 से लेके 108 के बीच का कोई भी नंबर हो और A से लेके P तक की कोई भी लेटर हो, तो वह जब दोनों लगा हुआ रहेगा तो वह डिग्री सीट कहलाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कोई भी मैप देखते हैं, उस मैप पे अगर एक बिंदु से एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी अगर मानचित्र पर मापनी होगी तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है यंत्र का, उसका बताइए वह जो है क्या है। तो ए में जो कहा जा रहा है प्लेनीमीटर, बी में जो है ऑपिसोमीटर, सी में है जो है रोटामीटर, डी में जो है टेलियोरोमीटर। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑपिसोमीटर, यानी जो ऑपिसोमीटर जो देखते हैं उसके सहायता से क्या करते हैं, मानचित्र पर एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को मापने के लिए ऑपिसोमीटर का प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कहता है एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर की दूरी, यानी
को प्रदर्शित करता है, तो उसका प्रतिनिधित्व भिन्न यानी आरएफ कितना होगा, यानी आरएफ कितना होगा। तो देखिए कि यहां क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो देखिए इसको आरएफ निकालने का तरीका आप सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए यहां आरएफ लिखे आर एफ, तो यहां क्या करेंगे 1 अनुपात, और उसके बाद देखिए 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर को क्या करते हैं कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 पे 5 गो सोना दीजिएगा, 1 2 3 4 4 5, तो 2 हेलो, तो क्या कीजिएगा कि 2 पे 5 सोना दीजिएगा, तो आरएफ क्या हो जाएगा कि 1:2 पे जब 5 सोना आप देते हैं तो वहां क्या होता है 2 लाख हो जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि आप डी जो देख रहे हैं 1/2 लाख, इसका मतलब हुआ कि मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर मापी है, जिस दो स्थान के बीच पे अगर मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर मापी गई तो वही दोनों स्थान के बीच धरातल पे जो दूरी होगी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जाने के लिए 2 लाख सेंटीमीटर दूरी मापना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर डी हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कौन है, कहता है कि एक वायु फोटो चित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर किलोमीटर है, तो उस फोटो चित्र की प्रतिनिधित्व भिन्न यानी आरएफ कितना होगा। तो देखिए 2 सेंटीमीटर बराबर 7.5 किलोमीटर बताई रही है, और भिन्न जब भी निकालते हैं तो 1 अनुपात जो होता है निकालते हैं, तो जब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, यानी इसको निकालने के लिए क्या करते हैं 2/7.5 किलोमीटर देखते हैं, तो 7.5 किलोमीटर को अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 7.5 लाख होगा, तो यहां 2 में 7.5 लाख लिखते हैं। यह 7.5 लाख लिखी गई, और जब इसको 2 से काट दीजिएगा तो यह जो होगा 3.7500, यानी कि 0 0 यानी 3,75,000 होगी। तो आपने देखा तो इसका आरएफ जो होगा 3:1:375,000। तो क्लियर, तो यह आरएफ निकालने का जैसे आपने देखा कि जो 1:1 हो जाएगी जब 2 को काटे तो वहां से, तो इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। चलिए अगले देखिए, अब कहता है कि भारतीय भूपत्रकों की 45N/13 संख्यात्मक की वर्तमान मापनी क्या होगा। जैसे देखिए कि अभी जस्ट बताए थे जो ट्रोपोशीट है, तो इस ट्रोपोशीट में जो एक नंबर दिया गया है वह नंबर 45N/13 है, तो जब 45 सिर्फ दिया हुआ होता तो वह मिलियन सीट होता, तो मिलियन सीट के लिए हम क्या करते 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख लिखते, और जब 45N दिया है तो 45N जो होगा वह डिग्री सीट होगा, तो डिग्री सीट जो होता कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर होगा यानी 2.5 किलोमीटर, तो डिग्री सीट कहलाएगी। लेकिन जब देखते हैं 45N/13 है यानी 1 से लेकर 16 तक का कोई भी नंबर उसके बाई में आ जाता है तो वह जो होता है क्वार्टर डिग्री सीट होता है, जिसका वैल्यू जो आरएफ देखिएगा मान होगा 1 सेंटीमीटर बराबर जो होगा 50,000 सेंटीमीटर। इस 50,000 सेंटीमीटर का मतलब 0.5 किलोमीटर। तो अब देखिए यह तो समझ में आ गई, तो यह सीट जो है क्वार्टर डिग्री सीट है। अगर 45 के जगह 61 भी होता, 72 भी होता, एन के जगह एच भी होता
और 13 के जगह पे 1 से लेके 16 तक का कोई नंबर होता तो भी यह क्वार्टर डिग्री सीट ही होता, उसकी वैल्यू जो होता, जो मापनी जो होगी इक्वल ही होगी। तो अब देखिए कि हमने क्या बताया कि 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर, तो देखिए ऑप्शन दे रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर, तो यह तो नहीं होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, यह भी नहीं होगा। देखिए अब दे रहा है कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, और नीचे दे रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो डी भी नहीं होगा। आपको जब 1 सेंटीमीटर बराबर आधा किलोमीटर बोले तो 2 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 किलोमीटर हो जाएगी, आधा आधा किलोमीटर दो बार कीजिएगा तो 1 किलोमीटर हो जाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी होगा। इसी प्रकार कोई भी अगर रहे तो आप निकाल सकते हैं, अगर 3 सेंटीमीटर दे दे तो 1.5 किलोमीटर हो जाएगी, अगर यह क्वार्टर डिग्री सीट है तो। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेलनाकार प्रक्षेपों पर सर्वाधिक अशुद्धता हो रहती है, यानी बेलनाकार प्रक्षेप जिसको कहते हैं सिलेंड्रिकल प्रक्षेप प्रोजेक्शन, तो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो होती है उस पे सबसे अधिक जो अशुद्धियां जो पाई जाती है वो कहां पे पाई जाती है, तो देखिए कहता है विषुवत रेखा के निकट, तो यह गलत है। पूर्वी गोलार्ध की ओर, यह भी गलत है। पश्चिमी गोलार्ध की ओर, यह भी गलत है। डी कह रहा है ध्रुवीय प्रदेश की ओर, जैसी हम जो है भूमध्य रेखा से ध्रुव के तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे उसकी डिस्टेंस जो होगा मापनी में अशुद्धता, यानी उसका जो क्षेत्रफल जो होती है उसमें अशुद्धि की जो है कि परसेंटेज बढ़ती चली जाती है, तो इसका सही आंसर डी होगा। लेकिन अगर वही हम इक्वेटर के पास देखते हैं यानी भूमध्य रेखा के पास, तो बेलनाकार प्रक्षेप पे भूमध्य रेखा के पास जो होती है दूरी जो देखते हैं कि वह चाहे वहां जो बनाई गई मानचित्र जो होती है वह शुद्ध होती है, क्लियर, तो इसका सही आंसर डी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, मर्केटर पर कौन सी अक्षांश नहीं दर्शाई जा सकती है, यानी मर्केटर प्रोजेक्शन भी देखते हैं सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का ही एक संशोधित रूप है, तो मर्केटर प्रोजेक्शन पे जो कही जा रही है कि किस अक्षांश वृत्त को आप नहीं दिखा सकते हैं, तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है मकर रेखा, बी में कहा जा रहा है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, सी में जो है कि 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, डी में जो कहा जा रहा है 90 डिग्री अक्षांश वृत्त या दोनों ध्रुव पोल। तो देखिए मर्केटर प्रोजेक्शन पे जो होती है पोल या तो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, जिसको आप दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उस मर्केटर प्रोजेक्शन पे जो पोल बनाई जाती है वह इन्फिनिटी पे बनती है, अनंत पे, जिसके कारण मर्केटर प्रोजेक्शन पे आप पोल नहीं दिखा सकते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बोन प्रक्षेप की विशिष्ट गुण होती है, यानी जो बोन प्रक्षेप है शंकु प्रक्षेप का जो देखते हैं, तो बोन प्रक्षेप का जो गुण है, क्योंकि सभी प्रक्षेप में अपने कुछ अलग अलग गुण होती है, तो उसी प्रकार बोन प्रक्षेप की गुण पूछी जा रही है, तो ऑप्शन ए में कहा जाता है कि शुद्ध आकृति, बी में जो कहा जाता है शुद्ध दिशा, सी में जो है कि शुद्ध क्षेत्रफल, डी में जो है अशुद्ध दिशा। तो देखिए बोन प्रक्षेप की सबसे विशिष्ट गुण जो है कि वह शुद्ध क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, यानी बोन प्रक्षेप पे अगर हम दिखाते हैं तो वह क्षेत्रफल जो होता है शुद्ध प्रक्षेप बताती है। जैसे भारत का अगर मानचित्र बनाना हो तो बोन प्रक्षेप पे अगर बनाते हैं तो वहां क्या होगा कि उसकी मापनी जो होगी वह शुद्ध होगा, यानी उसकी क्षेत्रफल जो होगी, क्षेत्रफल जितने दिखाई जाएगी तो भारत की जो वास्तविक क्षेत्रफल है वही चीज उस मानचित्र पे ही भी होगी, तो इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा कि शुद्ध क्षेत्रफल को दिखाता है, क्लियर, तो सही आंसर सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, विश्व में चावल का कृषि क्षेत्र जो है उसको निम्नलिखित प्रक्षेप पे प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी चावल जहां उत्पादन होती है तो चावल वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हम कौन सा प्रक्षेप को यूज करते हैं, तो ए में जो है सम क्षेत्र प्रक्षेप बेलनाकार प्रक्षेप,
बी में जो है मौलविड प्रक्षेप, सी में जो है ध्रुवीय गोलाकार प्रक्षेप, डी में जो है शंक्वाकार प्रक्षेप। तो इसका सही आंसर जो होगा सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, यानी सिलेंड्रिकल प्रक्षेप जो है, सम क्षेत्र वाली जो सिलेंड्रिकल प्रक्षेप है उस पे इक्वल एरिया जो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, तो उस प्रोजेक्शन के ऊपर हम चावल वाली जो क्षेत्र है उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ए होगा, क्लियर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सभी अक्षांश रेखाएं किस प्रक्षेप पर मानक अक्षांश रेखाएं होती है, यानी सभी अक्षांश रेखाएं जो है कौन सी प्रक्षेप पे मानक अक्षांश रेखाएं होती है, सभी प्रक्षेप की अपने अलग अलग। तो इसी में ए में जो है कि बेलनाकार सम क्षेत्र प्रक्षेप, बी में जो है मौलविड प्रक्षेप, सी में जो है मर्केटर प्रक्षेप और डी में जो है सिनुसॉइडल प्रक्षेप। तो देखिए सिनुसॉइडल प्रक्षेप जो होती है, सिनुसॉइडल प्रक्षेप में जितनी भी अक्षांश वृत्त खींची जाती है सभी मानक अक्षांश वृत्त होती है। इसके कारण जो इसका सही आंसर जो होगा वह आपको सिनुसॉइडल प्रक्षेप होगी। अगर विश्व के मानचित्र को बनाने के लिए देखते हैं तो सिनुसॉइडल प्रक्षेप की भी यूज कर सकते हैं, एक साथ दोनों पोल को दिखाने के लिए, नॉर्थ और साउथ पोल को भी दिखाना हो तो इसके लिए सिनुसॉइडल प्रक्षेप की यूज की जाती है, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगी, यानी वहां पे सभी जो होगी सारा अक्षांश वृत्त पे जो होगी मापनी शुद्ध होगी। चलिए अगला देखिए, विकर्ण मापनी का विशेष उद्देश्य होता है, यानी वर्नियर स्केल जो है उसका क्या उद्देश्य है। जब हम लोग मापते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार की स्केल होती है, जिसमें एक विकर्ण मापनी स्केल है यानी वर्नियर स्केल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल के तौर पे आती है जो ज्योग्राफी में। तो इसके देखिए कि अनुमानित दूरियां ज्ञात करने के लिए बी में जो है एक माप इकाई के सौवें भाग तक की दूरी मापने के लिए, सी में जो है किमी एवं मील के साथ दूरी मापना के लिए, डी में जो है बैरोमीटर का वायु दाब 0.01 तक मापने के लिए। तो देखिए यह जो होता है वर्नियर स्केल होता है या दूरी मापने के लिए ही होती है, लेकिन एक इकाई के सौवें हिस्सा को भी आप वर्नियर स्केल पे माप सकते हैं, यानी कि एक इकाई के अगर सौवें हिस्सा को मापना हो, यानी 1/100 तक की अगर कोई भी मापना हो तो उसको मापने के लिए वर्नियर स्केल यानी विकर्ण मापी स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, यानी कि एक मापक इकाई के सौवें हिस्से को भी आप माप सकते हैं वर्नियर स्केल के माध्यम से। तो चलिए इसका आंसर बी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 degree × 4 degree विस्तार वाली 10 लाखी मापनी की भूपत्रक की कुल 15 मिनट × 15 मिनट विस्तार वाली कितनी सीटें बनती है। तो देखिए पहले इसको समझिए कि कितनी सीट बनेगी। जैसे आपने देखा कि यह एक बना, इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो यहां से लेके यहां तक जो होगी यह 4 degree के लिए है, यह 4 degree है, यानी 4 degree देख रखा है। अब उत्तर दक्षिण को पूरा पश्चिम कुछ भी मान लीजिए, यह 4 degree हो गई। तो इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 4 ऐसे, तो आप देखें तो यहां डिग्री या मिलियन सीट जो होगी वह 16 बार में टूट गई जो डिग्री सीट में कन्वर्ट होगी। तो यानी 1 degree का बनेगा तो यहां से लेकर देख रहे हैं कि 4 है, तो यानी 0 से इसको 0 कहिएगा तब तो 4 पे जाएगी।
तो जीरो से चार पे चले तो जैसे ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा और ये चार हो गई। अब बताइए कि इसको क्या करेंगे कि फिर इसको क्या करना है कि अब जो हो गई तो फिर वहां 16 बनी थी, अब डिग्री वाले को लेते हैं। तो जानते हैं कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, तो अब डिग्री को तोड़िए। तो फिर इसको क्या करते हैं, ऐसे तोड़ते हैं इस डिग्री को। तो इस प्रकार से डिग्री को आपने तोड़ा, तो अगर एक जीरो से लेके एक डिग्री के बीच में था तो यहां क्या हो जाएगा, 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट और ये जो एक डिग्री बराबर 60 मिनट, वही नीचे जाएगा तो ये भी 16 हो गया। तो यहां क्या हो जाएगा कि 16 इंटू, देख ली जो आप देख रहे हैं, यानी 16 इंटू 16 बराबर क्या होगा, 256। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 256 हो जाएगी। तो देखे कि क्या हुआ कि इसकी क्वेश्चन, तो देखिए इसका क्या सही आंसर क्या होगा, 256। यानी कि देखे कि इसका आंसर क्या है, एक गलती से एक जगह बी से शुरू हो गई है, तो आपको बी सी डी ई दिया हुआ है, तो आप इसमें जो डी पे जो ऑप्शन देख रहे हैं 256, तो इसका सही आंसर जो होगा कि 256 होगा। चलिए अब देखिए, नोमोनिक प्रक्षेप में प्रकाश की स्थिति होती है, यानी एक नोमोनिक प्रक्षेप होती है, उस प्रक्षेप को बनाने के लिए जो प्रकाश होता है यानी कि, तो उसकी स्थिति होती है विपरीत ध्रुव पर, अनंत पर, ग्लोब के केंद्र पर, कहीं भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी नोमोनिक प्रक्षेप पे जो प्रकाश की जो होती है वो ग्लोब के केंद्र पर होती है, तो इसका सही आंसर सी हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, डैटम जो है, डैटम रेखा जो है वो क्या है, कहता है भारत तथा चीन की सीमा रेखा, बी में जो है एक काल्पनिक रेखा जो शून्य अक्षांश देशांतर से गुजरती है, सी में जो है एक काल्पनिक क्षैतिज तल जहां से ऊंचाई तथा गहराई का अंकन किया जाता है, डी में जो है वह रेखा जिसके आर पार तिथि बदलती है। तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी एक काल्पनिक तल, यानी जैसे जो देख रहे हैं यह तल है, कोई ऊंचा उठा हुआ भाग है और कोई गहरा भाग है, तो यह दोनों के बीच के जो देखते हैं ऊंचाई और गहराई का जो आकलन की जाती है वह जो होता है डैटम रेखा के द्वारा जब खींची जाती है, जो कर्व को डैटम कहते हैं। क्लियर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक काल्पनिक क्षैतिज तल जहां ऊंचाई तथा गहराई का आकलन किया जाता है, यानी कि जो स्थल के ऊपर पर्वत देख रहे हैं और समुद्र में जो खाई है, तो इस दोनों के बीच में जो देखी जाएगी, खींची जाएगी जो रेखा, वह क्या होगा, डैटम रेखा कहलाएगी। चलिए आगे देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रक्षेप कौन सा है, अगर ट्रांस साइबेरियन रेलवे हमको कागज पर दिखाना होगा तो हम किस प्रक्षेप पे बनाएंगे, तो ए में है मर्केटर प्रक्षेप, बी में जो है द्विकमान अक्षांश युक्त साधारण शंकु प्रक्षेप, यानी दो मानक अक्षांश वाली साधारण शंकु प्रक्षेप हुआ, सी में जो है बेलनाकार सम क्षेत्र प्रक्षेप, डी में जो है ध्रुवीय खमद नोमोनिक प्रक्षेप। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा, दो मानक अक्षांश वाली साधारण शंकु प्रक्षेप, यानी सही आंसर इसका बी हुआ। जैसे शंकु प्रक्षेप को जो देखते हैं उपोष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होती है, उच्च क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोनिकल प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक एक देखिएगा कि लाइन सीधे है,
यानी पूरब से पश्चिम की तरफ वह फैली हुई है, या पश्चिम से पूरब की तरफ कह सकते हैं। तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सा प्रक्षेप को, तो दो मानक अक्षांश वाली साधारण शंकु प्रक्षेप के द्वारा जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग को प्रदर्शित की जा सकती है। तो इसका सही आंसर जो होगा कि बी होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप संशोधित स्वरूप प्रस्तुत करता है, यानी जो देखिए कि हर प्रक्षेप एक दूसरे से संशोधन, क्योंकि प्रथम प्रक्षेप जो देखते हैं एक मानक अक्षांश वाली है, एक मानक अक्षांश के जब संशोधन हुआ तो दो मानक, वहां से चला शंकु प्रक्षेप, शंकु का संशोधित देखते हैं कि पॉलीकोनिक प्रक्षेप है, और पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का ही संशोधित रूप जो है जिसको अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप कहते हैं। क्लियर? तो अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल प्रोजेक्शन जो होती है वह शंकु बहुशंकु प्रक्षेप यानी पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन का वह संशोधित रूप है। तो इसका सही आंसर जो देख रहे हैं कि ए होगा। तो यह देख लिए कि इसका क्या होगा, सही आंसर ए होगा। चलिए अगले की तरफ देखिए। कहता है लॉक जो ड्रॉम यानी जो नौका का जो दिशा होता है, नौपथ को मार्ग को दिखाने के लिए जो होता है, किस प्रोजेक्शन पे आप सही सही नौपथ को दिखा सकते हैं, और वही नौपथ को ही जो है लोक जो ड्रॉम कहा जाता है। तो देखिए यहां ऑप्शन ए में जो है कि बेलनाकार समदूरी प्रक्षेप यानी समदूरस्थ प्रक्षेप भी कह सकते हैं। दूसरा जो बी में जो देखते हैं मौलबिट प्रक्षेप है, सी में जो है बोन प्रक्षेप है, डी में मार्केटर प्रक्षेप है। तो देखिए मार्केटर प्रक्षेप का जो एक गुण होती है कि वह शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करती है, और नौका को जो है कि समुद्र में जाएगी तो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए जो है नौपथ को प्रदर्शित करने के लिए मार्केटर प्रोजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका सही आंसर डी होगा, मार्केटर प्रोजेक्शन। चलिए अगले देखिए। निम्नांकित में से किस प्रक्षेप पर विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है, यानी जो इक्वेटर का लंबाई जो देख रहे हैं किस प्रक्षेप पे सही नहीं होगी। तो ए में जो कहता है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, बी में जो है मार्केटर प्रक्षेप, सी में जो है मौलबिट प्रक्षेप, डी में जो है सिनुसॉइडल प्रक्षेप। तो देखिए भूमध्य रेखा की सही लंबाई जो होती है सम बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप पे भी होती है सही, मार्केटर पे भी सही होती है, सिनुसॉइडल प्रक्षेप पे भी वह जो दूरी जो होती है उसकी लंबाई सही होती है, लेकिन मौलबिट प्रक्षेप पे जो भूमध्य रेखा की जो वास्तविक लंबाई है उसके अपेक्षा उसकी लंबाई कम प्रदर्शित मतलब होती है, जिसके कारण इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगा। यानी मौलबिट प्रक्षेप पे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप इक्वेटोरियल रीजन को दर्शाना अगर है तो मौलबिट प्रक्षेप का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, जब वहां सही नहीं होगी तो उसको नहीं की जा सकती है। इक्वेटर को दिखाने के लिए हम लोग क्या बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप को भी, मार्केटर प्रोजेक्शन को भी, सिनुसॉइडल को भी खास करके उसको किया जाता है। तो सही आंसर सी देखिए आप। चलिए अगले देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप भूपत्र यानी टोपोशीट बनाने में प्रयुक्त किया गया था किया जाता है, यानी टोपोशीट जो बनाते हैं टोपोग्राफिकल बनाने के लिए किस प्रक्षेप को देखते हैं। तो ए में जो है कि मार्केटर प्रक्षेप, बी में जो है बोन्स प्रक्षेप, सी में अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, डी में जो है मौलबिट प्रक्षेप। तो इसका सही आंसर जो होगा कि आपको सी होगा, अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप यानी टोपोशीट का जो बनाई जाती है वह अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप का ही वह संशोधित रूप है वो जो प्रयुक्त होती है उसमें। और यह जो देख रहे हैं कि क्या है पॉलीकोनिक प्रक्षेप का यह संशोधित रूप है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है इसलिए बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो है कि सी हो गई। चलिए अब देखिए ओक्टस मापनी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। ओक्टस मापनी का प्रयोग
तो वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए ओस जमाव के स्तर को, यानी जो ओस गिरती है, देखते हैं ना सुबह सुबह निकलते तो ओस जो गिरी होती है तो उसके जो किसी घास पे या कोई चीज पे गिर के जो रहती है, तो उसके जमाव के स्तर को मापने के लिए सी में जो है मेघ छादर, यानी जो बादल ऊपर लगी रहती है उसको, डी में जो है सौर प्रकाश की मात्रा को मापने के लिए, तो ओक्टस मापनी जो है वह आपको मेघ छादन की मात्रा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ओक्टस मापनी से आप मेघ छादन की मात्रा को माप सकते हैं, तो सही आंसर जो होगी इसकी सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इर्गोग्राफ पर निम्न में से किसका संबंध प्रदर्शित किया जाता है, यानी जो इर्गोग्राफ बनाई जाती है तो उस पे किसके किसके बीच का संबंध है। तो देखिए ए में जो कहता है जलवायवीय दशाएं एवं फसलों का वर्धन काल, बी में जो है आर्द्र बल्ब तापमान एवं आर्द्रता, सी में जो है तापमान एवं वार्षिक वर्षा, डी में जो है सापेक्षिक आर्द्रता एवं तापमान। तो इसका सही आंसर जो है कि आपका ए है। इर्गोग्राफ के लिए क्या क्या आता है, जलवायविक जो होती है एलिमेंट उसको, यानी वर्षा तापमान को दर्शाई जाती है, दूसरे तरफ फसल को, यानी किस फसल का कितना लंबा यानी वर्धन काल है उसको, दोनों को सम्मिलित रूप से अगर प्रदर्शित करने हो, यानी फसल के वर्धन काल को और जलवायविक दशाओं को सम्मिलित रूप से प्रयोग जो कि जिस मैप पे की जाती है, जो इर्गोग्राफ के माध्यम से जो है उसको प्रदर्शित की जाती है, तो इसका सही आंसर जो होगा कि ए होगा। चलिए अगला देखिए, पॉलीकोनिक प्रक्षेप निम्न में से किससे संबंधित है, यानी पॉलीकोनिक प्रक्षेप यानी बहुशंकु प्रक्षेप किससे संबंधित है। ऑप्शन ए में अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, बी में मर्केटर प्रक्षेप, सी में बोन्स प्रक्षेप, डी में सिनुसॉइडल प्रक्षेप। तो देखिए पॉलीकोनिक प्रक्षेप जो है वह अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप जो देखते हैं, यानी इंटरनेशनल प्रोजेक्शन जो है उससे संबंधित है, तो पहले ही बता चुके हैं, तो इसका सही आंसर ए होगा। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप केप काहिरा रेल मार्ग को प्रदर्शन के लिए बनाई जाती है, यानी केप काहिरा रेल मार्ग जो देखते हैं वह उत्तर से दक्षिण दिशा के तरफ है, और ध्यान रहे कि वह जो होता है कि इक्वेटर को भी काटती है, यानी दोनों गोलार्धों में है। केप काहिरा रेल मार्ग जो है वह आप उत्तरी गोलार्ध में भी देखते हैं और दक्षिणी गोलार्ध तक वह फैली हुई है, यानी इसका फैलाव उत्तर से दक्षिण की तरफ है और दोनों गोलार्ध में है। अब यहां कह रहा है कि ये मर्केटर प्रक्षेप पे, बी में बहुशंकु प्रक्षेप पे, सी जो है बोन प्रक्षेप, डी जो है सिनुसॉइडल प्रक्षेप। तो ध्यान रहे मर्केटर प्रक्षेप जो होती है इक्वेटर के आस पास वाली जो एरिया होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए या नौ पथ को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाती है। बहुशंकु प्रक्षेप यानी पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन देखते हैं, और बोन प्रक्षेप जो एक में किसी आप एक ही गोलार्ध को दिखा सकते हैं उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध को, और जबकि केप काहिरा रेल मार्ग उत्तर और दक्षिण दोनों में है, तो वहां भी खत्म। सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन पे आप पूरे विश्व को प्रदर्शित कर सकते हैं, तो सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन पे ही आप जो है केप काहिरा रेल मार्ग को प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी दिखा सकते हैं जो जहां सही सही। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह डी होगा। अगर दोनों गोलार्ध को एक साथ अगर प्रदर्शित करना हो तो सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन का ही प्रयोग करते हैं। चलिए अगले चलते हैं। अब देखिए भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है, यानी भारत का जो ऋतु मानचित्र बनती है वह कौन सा प्रक्षेप पे बनती है। तो ए में जो है बोन प्रक्षेप पर,
बी में जो है बहुशंकु प्रक्षेप, सी में जो है मर्केटर प्रक्षेप, डी में जो है मौलविड प्रक्षेप। तो देखिए भारत का जो ऋतु मानचित्र बनाई जाती है वह मर्केटर प्रक्षेप पे बनाई जाती है, तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह सी होगी। यानी सभी मैप को अलग अलग पर बनाई जाती है, तो ऋतु मानचित्र जो है कि आपको बनेगी तो वह जो है कि आपको चलिए देखिए भारत का प्रथम विस्तृत मानचित्र की रचना की थी, यानी भारत का जो विस्तृत मानचित्र जो देखते हैं उसका प्रथम बार रचना किसके द्वारा किया गया था, तो ए में जो है डी एन विले ने, बी में इरेथोस्थनीज, सी में टॉलमी, डी में जेम्स रेनेल ने। तो देखिए कि जेम्स रेनेल महोदय जो है इन्होंने ही भारत का प्रथम विस्तृत मानचित्र का वर्णन किए बनाए हैं, यानी भारत की प्रथम विस्तृत मानचित्र जो है वह जेम्स रेनेल के द्वारा बनाई गई है, जो एक अंग्रेज सर्वेयर थे जो भारत के सर्वे के क्रम में यह मानचित्र बनाई गई थी। तो जेम्स रेनेल के द्वारा देखिए विस्तृत मानचित्र जो है, तो आंसर डी होगी। चलिए अगले देखिए हिप्सोमेट्रिक कर्व, यानी हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा निम्नलिखित में क्या प्रदर्शित किया जाता है, तापक्रम को, वर्षा को, उच्चावच को, दूरी को। तो देखिए हिप्सोमेट्रिक कर्व के द्वारा जो है उच्चावच को, यानी सरफेस के ऊपर जो ऊंचा और नीचा जो होता है, तो उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए यानी दिखाने के लिए हिप्सोमेट्रिक कर्व का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर जो होगा कि सी होगी। चलिए अगला देखिए विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी शुद्ध दूरी होती है, यानी देखिए जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम पोल की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में ह्रास होती है। सबसे अधिक दूरी जो होता है विषुवत रेखा के पर ही होती है दो देशांतर रेखाओं के बीच के भी, जबकि पोल पे पहुंचते ही दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, जबकि इक्वेटर पे जो सबसे अधिक दूरी होती है तो कितनी होगी, तो ऑप्शन ए में जो कहा जा रहा है 21.32 किलोमीटर, बी में जो है 11.32 किलोमीटर जो 69.2 मील होगी, सी में जो है 108 किलोमीटर जो 68 मील होगी, डी में जो 100 किलोमीटर यानी 60 मील होगी। तो देखिए विषुवत रेखा पे एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो दूरी होती है वह 111.32 किलोमीटर होती है, यानी 69.2 मील होती है। तो आपको मील में रहे या किलोमीटर में, तो आपने देखा तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है दीर्घ मापनी पर सर्वप्रथम किस विद्वान ने फ्रांस के मानचित्रों की रचना की, यानी दीर्घ मापनी पे जो फ्रांस की जो मानचित्र बनाई गई थी तो किस विद्वानों के द्वारा। तो ए में जो है सेंसन है, बी में जो है कैसनी है, सी में जो है मर्केटर है, डी में जो है टोलमस है। तो इसका सही आंसर बी होगा, यानी कैसनी के द्वारा जो है दीर्घ मापनी पर फ्रांस का सबसे प्रथम मानचित्र बनाने वाले कैसनी महोदय हैं। तो सही आंसर बी हो गई। चलिए अब देखिए भारत में मौसम मानचित्र प्रदर्शित होता है, यानी भारत का जो मौसम मानचित्र है वह कहां से प्रदर्शित होती है, कहां से वह बनाई जाती है, तो इसको देखना है। तो ए में देहरादून से, बी में कोलकाता, सी में अहमदाबाद, डी में पुणे से। तो भारत का मौसम मानचित्र या ऋतु मानचित्र जो इसको कहते हैं, तो यह जो बनाई जाती है वह पुणे से, यानी उसका हेडक्वार्टर जो है पुणे,
यानी सही आंसर इसकी डी होगी। चलिए देखिए भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के यानी भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के की स्थापना की गई थी, यानी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब किया गया था भारत में सर्वे ऑफ इंडिया का, तो ऑप्शन ए में जो है 1667 में, ऑप्शन बी में जो है 1767 में, ऑप्शन सी में जो है कि 1697 में, ऑप्शन डी में जो है 1797 में। तो इसका सही आंसर जो है 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, यानी सही आंसर इसका बी हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत व निकटवर्ती देशों की प्रथम संस्करण मापनी रखी गई थी, यानी भारत और उसके निकटवर्ती देश की जो मानचित्र बनाई गई थी संस्करण मानचित्र, तो वह किस मापनी पे बनाई गई थी, यानी कि 1:20,00,000, 1:10,00,000, 1:25,00,000, सभी गलत है। तो इसका सही आंसर जो है कि मिलियन सीट है, यानी कि 1:10,00,000 पे भारत का जो प्रथम संस्करण मानचित्र जो है पड़ोसी निकटवर्ती देश के लिए जो बनाई गई थी वह मिलियन सीट पे बनाई गई थी, जो कि उसको कहते हैं 1:10,00,000। क्लियर, तो सही आंसर बी होगी। चलिए देखिए, भारत के सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महासर्वेक्षक बने, यानी भारत का जो प्रथम महासर्वेक्षक कौन है, ए में जो है श्री एन विले, बी में जो है डॉक्टर वाडिया यानी डी एन वाडिया, सी में जो है जेम्स हट्टन, डी में जो है जेम्स रेनेल। तो देखिए भारत के महासर्वेक्षक जो बने थे प्रथम महासर्वेक्षक वह जेम्स रेनेल है। इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जेम्स रेनेल महोदय ही भारत का जो है विस्तृत मानचित्र की जो की रचना किए थे, जो वही सर्वे के क्रम में ही। तो इसका सही आंसर जो होगा कि वह डी होगा, एज जेम्स रेनेल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यदि आरएफ जो देखते हैं भिन्न 1:63,360 है, तो मौखिक मापनी ज्ञात कीजिए, यानी मौखिक जो देखते हैं कि तो इंच में है या तो एक इंच बराबर, जब देखिए एक पे दो को ऊपर से जब लाइन होती है तो उसको इंच कहते हैं, तो एक इंच बराबर दो एक मील, एक इंच बराबर पांच मील, एक सेमी बराबर 10 किमी, एक इंच बराबर 10 मील। तो देखिए एक मील में जो होती है 63,360 इंच होती है, इसलिए एक इंच बराबर एक मील होगी इसका सही आंसर। अगर किसी मानचित्र पे आरएफ दिया हुआ है 1:63,360 तो उसका मतलब है कि एक इंच अगर हम मानचित्र पे दूरी मापते हैं तो वह दोनों बीच बिंदुओं के बीच की दूरी धरातल पे जो मापना पड़ेगा वह है एक मील। क्लियर, तो चलिए इसका सही आंसर ए होगा। अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं, यदि मौखिक मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर है तो आरएफ होगा। तो देखिए इसका आरएफ आरएफ कैसे निकालिएगा तो देख लीजिए, तो अगर यहां हमको आरएफ निकालना है तो क्या करते, 1:5 ठीक, और 5 मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 5 लिखेंगे और 5 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, इस पे 2 गो सोना देंगे, यानी 2 गो सोना दे दिए तो 1:500 होगी। क्लियर, तो अगर किसी मापने मानचित्र पे देखते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर लिखा हुआ है तो उसका आरएफ अगर निकालने के लिए कह रहा है तो 1:500 होगी। क्लियर, इसी प्रकार किसी का भी आप जो दिया रहेगा तो आप माप निकाल सकते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर दे रहा है
100 मीटर अगर दे रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर, तो आप क्या कीजिएगा, तो यहां देखिए कि निकाल लेंगे 1:100 मीटर है तो 100 मीटर लिखेंगे, और 100 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 गो 0 आउट देंगे इस पे, तो ये कितना हो जाएगा, देख रहे हैं कि 1:10,000 क्लियर। तो इसका जो देखें कि इस क्वेश्चन के अनुसार जो है इसका क्या होगा कि आपका सही आंसर बी होगी। तो आप आरएफ निकालने का सीख गए। अब देखिए कि कह रहा है यदि मौखिक मापनी 1 इंच = 10 गज है तो आरएफ होगा। अब देखिए इसको गज में है, तो गज को देखिए कि कैसे करते हैं, 1 गज में जो होता है वह 3 फीट होती है, और 1 फीट में जो होता है वह आपको 1 फीट में जो होता है 12 इंच होता है। तो अब आपको 1 इंच बराबर कह रहा है 10 गज, तो इसका जो आरएफ हम निकालेंगे कैसे से देख लीजिए। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 क्लियर, और 1 गज में कितना होता है तो 3 फीट होता है। तो हम 1 गज में ना, तो 10 गज है ना, तो इसको यहां 10 कीजिए, और 10 को क्या कीजिएगा फीट में कन्वर्ट करने के लिए तो 3 से गुना कीजिएगा। और जब हमको इसको इंच में कन्वर्ट करना होगा तो 1 फीट में जो होता है 12 इंच होता है, तो गुने क्या करेंगे 12 कर देंगे, यानी 12। तो जब इसको 12 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 + 36, तो यानी 360 हो जाएगा। देख रहे हैं 10 × 3 × 12, तो इसका सही आंसर जो होगा कि 1:360। तो इसका जो आंसर हो गया कि आपका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलिए। भारतीय मौसम मानचित्रों में वायु दाब दर्शाया जाता है, यानी भारत का जो मौसम मानचित्र बनती है उसको वायु दाब को किस में, तो मिलीमीटर द्वारा, इंच द्वारा, मिली बार द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा मिली बार, यानी जो है कि वायु मौसम मानचित्र पर दर्शाई जाती है मिली बार। चलिए अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला पर बने स्थलाकृतिक मानचित्रों का विस्तार अगर इतना है तो अक्षांशीय क्या कहलाएगी, अगर अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्शन अगर हो तो वह कौन सा होगा। यहां कहता है 4 डिग्री × 4 डिग्री, 6 डिग्री × 4 डिग्री, 12 डिग्री × 8 डिग्री, 12 डिग्री × 4 डिग्री। तो देखिए यहां क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला पर बने स्थलाकृतिक मानचित्रों का विस्तार जो होगा वह 4 डिग्री × 4 डिग्री होगा। क्लियर, कि जिसको आपको पहले ही बताएं कि वह मिलियन सीट में होती है, 4 डिग्री × 4 डिग्री अगर कोई देता है तो वह मिलियन सीट कहलाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा कि ए होगा, यानी अंतरराष्ट्रीय है और इसी को अंतरराष्ट्रीय सीट भी कहते हैं। चलिए क्लाइमोग्राफ में चारों कोने में लिखे गए शब्दों का तात्पर्य है, और क्लाइमोग्राफ बनाते हैं तो उसको चारों कॉर्नर पर कोई शब्द लिखी जाती है, तो देखिए उसमें क्या कहता है, ए में जो है कहता है जलवायु की दशा को सम्यक ज्ञान कराना, आर्द्रता एवं तापमान के अतिरिक्त स्थल पे जो है, यानी स्थल के ऊपर जो आर्द्रता और तापमान का जो प्रभाव है उसको प्रदर्शित करने के लिए, फसलों के लिए अनुकूल दशा के लिए स्थल पे, यह सभी सत्य है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा बी होगा, आर्द्रता एवं तापमान का जो संबंध होता है उसी को प्रदर्शित करने के लिए क्लाइमोग्राफ के चारों कोना पे लिखा जाता है, जैसे स्कॉर्चिंग है, रो है, किन है, मगी है, चारों का जो है कि आप मेरे एक वीडियो देखिए जिसमें क्लाइमोग्राफ बना हुआ है, सबको समझाया गया है क्लाइमोग्राफ वाले पे जो विस्तृत रूप से। तो इसकी सही आंसर जो होगा कि बी होगा, आर्द्रता एवं तापमान के अतिरिक्त जो देखते हैं स्थल के ऊपर जो प्रभाव होती है। चलिए अगला देखिए, अर्गोग्राफ यानी इर्गोग्राफ समाज के किस विशेष वर्ग के लिए अधिक उपयोगी है, यानी समाज के जो इर्गोग्राफ बनती है तो समाज के किस वर्ग के लिए उपयोगी होगी।
तो देखिए ए में कहता है उद्योगपति के लिए, बी में कृषक के लिए, सी में मजदूर के लिए, डी में जो है शैक्षिक वर्ग के लिए। तो देखिए कि इर्गोग्राफ में पहले ही हम बता चुके हैं कि इर्गोग्राफ में जो होता है कि जलवायविक कंडीशन जो होती है तापमान, वर्षा और आर्द्रता जो ये देखते हैं, यानी कि तापमान वर्षा को और दूसरे तरफ जो है फसल का वर्धन काल को और एरिया को दिखाई जाती है। क्लियर? तो यह चीज जो होगा कि कृषक वर्ग के लिए होगा, तो इर्गोग्राफ जो होता है विशेषकर कृषक वर्ग के लिए होती है। तो सही आंसर जो होगा कि वह बी होगा। चलिए देखिए, विश्व में गेहूं उत्पादन वितरण किस प्रक्षेप द्वारा अच्छी तरह प्रदर्शित की जा सकती है? तो देखिए ए में जो है कि मार्केटर प्रोजेक्शन, बी में जो है मौलवी प्रोजेक्शन, सी में जो है बोन्स प्रोजेक्शन, डी में जो है नोमोनिक प्रोजेक्शन। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा मौलवी प्रक्षेप होगी, यानी गेहूं के क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिस प्रक्षेप का हम प्रयोग करते हैं वह मौलवी प्रक्षेप होगी। चलिए तो सही आंसर बी हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की है, यानी जो मैग्नेटिक नॉर्थ जो है उसकी कौन सी विशेषताएं हैं? तो ए ऑप्शन में कहता है स्थिर है, बी में कह रहा है मंद दर से, मंद गति से खिसक रही है, सी में जो कह रहा है कि तीव्र खिसकाव हो रहा है, डी में जो कह रहा है कि अंतराई खिसकाव हो रही है। तो देखिए इसका सही आंसर जो बी होगा, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ जो देख रहे हैं वह मंद गति से खिसक रही है। तो सही आंसर इसका बी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कि सॉरी इस पे अनुपात जो है कि मिस हो गई, आप लोग अनुपात समझिएगा, यानी वन अनुपात जो है उसको 15 लाख मत समझ लीजिएगा, 1,50,000 नहीं, उसमें गलती से जो है कि अनुपात छूट गई है। तो जो देख लीजिए कि इसको जो है लीजिए, जैसे कि अनुपात जो है यहां पे जो होगी कि अनुपात होगा। क्लियर? तो एक अनुपात जो 50,000 की प्रदर्शक भिन्न पर भूपत्रक की संख्या निम्न में से क्या होगा, यानी कि 1:50,000 जो प्रदर्शक भिन्न यानी आरएफ पे जो बनी हुई है वह का जो होगा भूपत्रक संख्या क्या होगा। तो इसमें 50 कह रहा है, 50G कह रहा है, 50G/2 कह रहा है, 50G/2/4 कह रहा है। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा 50G/2 होगा, यानी सही आंसर जो है कि आपका सी होगा, यानी कि 1:50,000 जो होती है वह क्वार्टर डिग्री सीट को दिखाती है, और क्वार्टर डिग्री सीट जो होती है वह आपको पहले ही बता दिया है जब किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो देखते हैं उसके साथ जो है अल्फाबेट का ABC जो P तक कोई लेटर लगती है, और उसके बाद उसके बाई में जो देखते हैं 1 से लेकर 16 तक का कोई नंबर होता है, तो वैसी डिजिट वाली जब कोई दिया जाएगा भूपत्रक संख्या तो वह जो होगा क्वार्टर डिग्री सीट कहलाएगी। क्लियर? जिसका मापनी होगा 1:50,000। तो यानी इसका सही आंसर जो होगा कि सी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है बोन्स प्रक्षेप निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रक्षेप है, यानी बोन प्रक्षेप जो है वह कैसी प्रक्षेप है? बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप, अर्धचंद्राकार प्रक्षेप, ध्रुवीय शिरोच्छेदीय प्रक्षेप। तो देखिए यह जो है कि बोन प्रक्षेपण जो होती है वह शंक्वाकार प्रक्षेप होती है, यानी कोनिकल प्रोजेक्शन, जैसे आप लोग भूजा खाने जाते हैं तो कोन बना के देता है ना, तो बोन प्रोजेक्शन भी उसी प्रकार की होती है, तो इसलिए उसको शंक्वाकार प्रक्षेप कहते हैं। तो इसका सही आंसर बी होगा। चलिए देखिए, किस प्रक्षेप के अक्षांशीय वृत्तांत भिन्न भिन्न केंद्रों से खींची जाती है, जो अक्षांशीय वृत्त जो होती है भिन्न भिन्न केंद्रों से किस प्रक्षेप पे खींची जाती है? तो ए में कहा जाता है बोन प्रक्षेप, बी में कहा जाता है बहुशंकु प्रक्षेप, सी में जो है शंक्वाकार दो प्रधान जो अक्षांश यानी दो मानक अक्षांश वाली शंकु प्रक्षेप है, और डी में जो है एक मानक अक्षांश वाली शंकु प्रक्षेप।
तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वह पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन यानी बहुशंकु प्रक्षेप होगा। यानी बहुशंकु प्रक्षेप का जो होता है कि प्रत्येक का केंद्र जो होता है अलग अलग होती है, तो इसका सही आंसर जो होगा कि बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। कहता है एक बीमा आरेखों में आती है, यानी एक बीमीय आरेख कौन सा है? रेखा ग्राफ, दंड ग्राफ, रेखा एवं दंड ग्राफ, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा कि आपको सी, यानी डी भी कहिए, सभी उपयुक्त सभी दे दिया तो सब डी होगा। यानी रेखा ग्राफ भी है, दंड ग्राफ को भी कहते हैं, रेखा एवं दंड ग्राफ को भी कहते हैं, जो एक बीमीय आरेख होती है। तो चलिए इसका सही आंसर डी हो गई। चलिए अगला देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वोत्तम विधि है वह कौन सा है? ध्यान रखिएगा, किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या को प्रदर्शित करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वह कौन सा है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जामों में यहां से पूछी जाती है क्वेश्चन। तो देखिए ए में जो है पृथक छायांकन, बी में जो है कोरोप्लेट, सी में जो है बिंदु मानचित्र जो है, डी में जो है आइसोप्लेट। तो ध्यान रहे कि जनसंख्या वितरण को प्रदर्शित करने के लिए बिंदु मानचित्र जो होती है सर्वोत्तम होती है, तो इसका सही आंसर सी होगा। यानी कि जनसंख्या को देखिएगा, एक डॉट बराबर कुछ जनसंख्या दे देती है, तो यह बिंदु मानचित्र के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है, सबसे उत्तम है। चलिए सही आंसर सी हो गई। अगले क्वेश्चन को तरफ चलिए। एक अनुपात एक मिलियन मापनी पर, यानी कि एक अनुपात एक मिलियन मापनी पर निर्मित मानचित्र है। यानी एक अनुपात एक मिलियन का मतलब समझिए कि अगर मानचित्र पर अगर आप एक सेंटीमीटर मापते हैं, तो कहता है कि धरातल पे वह 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन होगी, यानी 10 लाख होगा। यानी मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर तो धरातल पे 10 लाख सेंटीमीटर। तो अब कहता है कि मानचित्र के किसी भी स्थान के 2.4 सेंटीमीटर अगर हम माप लेते हैं, तो धरातल पे हमको कितना जाना पड़ेगा वो दोनों स्थान के बीच। तो आपने देखा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख, 2.4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2.4 मिलियन। 2.4 मिलियन होगी, 2.4 मिलियन को कन्वर्ट कीजिएगा तो वह आ जाएगा 24 लाख सेंटीमीटर, और 24 लाख सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो वह 24 किलोमीटर होगी। तो इसका सही आंसर जो देख रहे हैं वह डी होगा, यानी 24 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा लघुत्तम पैमाना है, यानी जो मानचित्र पे जो स्केल मापी जाती है, तो देखिए कि वह जो होता है कि सबसे लघुत्तम पैमाना कौन सा है। यानी छोटा मानचित्र किससे बनेगी, जिससे जिस मापनी से बड़ा मानचित्र बनेगी वह बृहत पैमाना कहलाएगी, और जिस मापनी से छोटा मानचित्र बन जाएगी उसकी लघुत्तम पैमाना कहलाएगी। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है कि वह आपको 1:10 लाख यानी 1 मिलियन, बी में जो है कि 1:1 लाख, सी में जो है आपको 1:50,000, डी में जो है 1:50 लाख। तो 50:1:50 लाख मापनी पे अगर मानचित्र बनाएंगे तो वह मानचित्र छोटा मानचित्र होगा, तो इसलिए लघुत्तम पैमाना कहलाएगी। अगर 1:50,000 पे बनाएंगे तो वह मानचित्र बड़ा मानचित्र होगा, तो वह बृहत मैप कहलाएगी। तो इसका सही आंसर जो होगा कि डी होगा, यानी लघुत्तम मैप यानी स्केल जो देखते हैं बाई में जितना बड़ा होगा नंबर वह मैप उतना ही छोटा बनेगा। बाई में जितना छोटा डिजिट होगा मैप उतना ही बड़ा बनेगा। क्लियर? तो देखिए कि आप देख लीजिए कि भारत का जो दिखाया गया है टोपो सीट पे, तो उसको देखिए कि आपको जो है कि नंबर चलिएगा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप जिस में दिखाई गई थी, तो 1 से लेके 118 तक दिखाया गया था,
जिसमें से वर्तमान भारत को प्रदर्शित करने के लिए जो हमारा डिग्री यानी मिलियन सीट जो है वह 39 से 49 तक, यानी 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। फिर उसके बाद क्या होता है 51 से 58 तक, यानी 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 तक। फिर 61 से 66 तक, यानी 61, 62, 63, 64, 65, 66। फिर क्या है 77 से 79 तक है, तो 77, 78, 79। फिर 82 से 84, यानी 82, 83, 84 हो जाएगी। उसके बाद 86 से जो है 88 है, तो 86, 87, 88। उसके बाद 91 से 92 तक है, तो 91, 92 होगी। यह जो 92 जो दिखाई जाएगी वह आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को है, क्लियर। तो अब यह जो देख रहे हैं कि जो बताई गई इसी पे पूरा भारत का जो है टोपोग्राफिकल मानचित्र बनाई जाती है। यह जो डिजिट बताया है वह जो है आपकी आपको मिलियन सीट वाली है। हम आपको जो है टोपो सीट का जो है डिग्री मिलियन सीट, डिग्री सीट, क्वार्टर डिग्री सीट, इस सभी के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जिसको आप देखिए। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इसमें कुछ आपको टूटी लग रही हो तो उसमें सुझाव कमेंट बॉक्स में उसको लिख के सुझाव दीजिए, जिसके कारण हम अगले वीडियो में उसमें मतलब सुधार करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू मित्रों।